Hello people. So our today's topic is Nidhi Companies. It is an Indian non-banking financial sector. So let's know more about it. But before that, don't forget to subscribe to the channel of News Canvas. So what exactly are Nidhi Companies? Nidhi company ek type of company hai jo ki non-banking financial sector NBFC se belong karti hai. Isko section 406 of the Companies Act 2013 ke andar recognize kiya gaya hai. Inka core business kya hai? Paise ko borrow karna aur lend karna unhi ke members ke beech mein. Inko hum permanent fund, benefit fund aur mutual benefit funds and mutual benefit company ke naam se bhi jante hai. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कि MCA से रेगुलेट करती है और MCA बताती है कि जो डिपॉजिट जिस तरीके से आप डिपॉजिट करोगे मनी को यानी कि क्या रूल्स होगी डिपॉजिट करने के कितना परसेंट डिपॉजिट आपके पास सेव रहना चाहिए ये सब जो रूल्स है वो सब MCA रेगुलेट करेगी. अब ये जो कंपनी है उसकी एक स्पेशलिटी क्या है कि ये अपने सिर्फ शेयर होल्डर मेंबर्स के साथ ही डील करती है और किसी के साथ डील नहीं करती है. निधि मतलब एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट करती है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड रिजर्व फंड्स अमंग इट्स मेंबर्स एंड आल्सो रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट. निधि कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी एग्जिस्ट करती थी. निधि कंपनी का बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी बेसिकली ये बोलता है कि जो पैसा बोरो कर रहा है और जो पैसा लेंड करना है दोनों को एडवांटेज होना चाहिए. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी. ये कंपनी ज्यादातर साउथ इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है और 80% ऑफ द कंपनीज तमिलनाडु में लोकेटेड है. तो निधि कंपनीज के कुछ गवर्निंग लॉज है वो 2014 में जो निधि रूल्स है उसके द्वारा गवर्न की जाती है. कोई भी RBI अप्रूवल नेसेसरी नहीं है मतलब RBI के थ्रू रजिस्टर कराए इस कंपनी को ऐसा नेसेसरी नहीं है. RBI को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है इस कैटेगरी ऑफ NBFC इन इंडिया से टू कंप्लाई इट्स कोर प्रोविजंस सच एज रजिस्ट्रेशन विद RBI एक्सेट्रा. हर एक निधि कंपनी को इंश्योर करना होगा कि एक ईयर के समय में यानी उसने अगर 2019 में चालू किया है तो 2020 तक निधि कंपनी के 200 मेंबर्स कम से कम 200 मेंबर्स हो जाने चाहिए. तो हम देखते हैं कि निधि कंपनीज एग्जैक्टली कौन कौन से गवर्निंग लॉज के अंदर आती है. जो निधि कंपनीज है उस वो इनकॉर्पोरेट करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को और इसलिए इट कंप्लाइज विथ टू सेट ऑफ नॉर्म्स. जो पहला है वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2019 और जो दूसरा है वो है निधि रूल्स 2014. तो वो खुद की कंपनी निधि खुद के रूल्स निधि रूल्स 2014 से तो कंप्लाई करती है लेकिन क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है तो इसको कंपनीज एक्ट 2013 को भी फॉलो करना होगा. अब मुझे अगर एक निधि कंपनी खोलनी है तो मैं जो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ेगी. इसका रजिस्ट्रेशन काफ़ी सिंपल है और दूसरे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि NBFC से अगर कंपेयर करें तो कम कॉम्प्लेक्स है. NBFC जिसको RBI का लाइसेंस लगता है स्टार्ट करने के लिए, इसको RBI का लाइसेंस नहीं लगता है स्टार्ट करने के लिए जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था. निधि कंपनी को हम स्टार्ट कर सकते हैं एक इनिशियल कैपिटल 5 लाख से और एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए इसे स्टार्ट करने के लिए. निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिक्वायर होते हैं हमें 3 डायरेक्टर्स. 3 डायरेक्टर्स इनिशियली होना चाहिए अगर आपको रजिस्टर कराना है निधि कंपनी को. और एवरी प्रमोटर और डायरेक्टर नीड्स अ कॉपी ऑफ पैन कार्ड, ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ टू अप्लाई फॉर अ निधि कंपनी इन इंडिया. तो ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ निधि कंपनी इन इंडिया. सो व्हाट इज द करेंट सिचुएशन ऑफ निधि कंपनीज, व्हाई इज इट इन न्यूज. जो निधि कंपनीज है उसकी रेगुलेटरी रेजीम है उनको इफेक्टिव बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इन कॉरपोरेट एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अमेंड किया है प्रोविजंस रिलेटेड टू निधि अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम 15/8/2019. ये जो अमेंडेड प्रोविजंस है ऑफ द कंपनीज एक्ट जो कि सेक्शन 406 के अंदर आते हैं और निधि रूल्स एज अमेंडेड विद इफेक्ट टू 15/8/2019 रिक्वायर करते हैं कि निधि कंपनीज को अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फॉर द अपडेशन ऑफ द स्टेटस और डिक्लेरेशन एज निधि कंपनी इन फॉर्म NDH4 यानी कि
अगर मैं निधि कंपनी हूँ और मुझे मेरा स्टेटस बताना है एज अ निधि कंपनी, सो आई हैव टू अप्लाई इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब इसमें दो कंसिडरेशंस है. पहला, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है बिफोर द निधि अमेंडमेंट रूल ऑफ 2019, दैट इज 15/8/2019 के पहले ही निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और विद इन 9 months ऑफ द निधि अमेंडमेंट रूल्स, दैट इज 15/8/2019, विच एवर इज लेटर. लेकिन निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए आफ्टर द निधि अमेंडमेंट रूल दैट 2019, दैट इज 15/8/2019, इट हैज टू अप्लाई विद इन 60 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक्सटेंडेड पीरियड एज ग्रांटेड बाय द कंसर्न्ड रीजनल डायरेक्टर. ओके, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स है जो कि 2019 ने गवर्नमेंट में करी थी. अब इस चीज का इम्पैक्ट क्या होगा? कंपनीज को दो फॉर्म्स भरने होते हैं, बहुत सारे फॉर्म में से ये दो फॉर्म्स है जो कंपनीज भरती है. एक है नंबर SH7 और दूसरा है फॉर्म PS3. नंबर SH7 कहता है कि अगर मेरे को अपने जो अमाउंट ऑफ शेयर्स है उनको बढ़ाने या कम कराने हैं तो मुझे ये फॉर्म भर के करना पड़ेगा नंबर SH7 को. और फॉर्म PS3 के थ्रू मैं अपने शेयर होल्डर्स की सब इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराती हूँ. पर अगर मैं पिछले स्लाइड में दिए गए जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल नहीं करती हूँ तो मैं ये दोनों फॉर्म्स को फिल नहीं कर सकती हूँ और इस तरीके से मेरी कंपनी रजिस्टर नहीं होगी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेकेंड थिंग इज दैट ये कंपनीज को रिक्वायर है कि वो स्ट्रिक्टली अधियर करे कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, सो निधि रूल्स 2014 एज अमेंडेड. इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स, कंपनी और उसके हर एक ऑफिसर को बाय डिफॉल्ट पनिश किया जाएगा विद द फाइन ऑफ 5,000 रुपीज, जो कि एक्सटेंड भी हो सकती है, और अगर ये वायलेशंस कंटिन्यू हुए तो फर्दर फाइन होगी इस केस में. लास्ट इज दैट द इन्वेस्टर्स आर एडवाइज टू वेरीफाई कि आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट इट इज अ निधि कंपनी, यू मस्ट वेरीफाई द स्टेटस ऑफ दैट कंपनी एज निधि कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू एनी सच कंपनीज. दिस इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गजेट बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है और कंपनीज को जो रिक्वायरमेंट्स है वो ध्यान में रख के खुद को एक निधि कंपनी का स्टेटस देना होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट निधि कंपनी. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू गिव अ थम्स अप. फॉलो द पेजेस ऑफ न्यूज कैनवस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल द ऐप ऑफ न्यूज कैनवस. टिल देन बाय.